नमस्कार, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं पॉलीमर चैप्टर पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपको आया है कि एक पॉलीमर से आपको गिवन है, एक पॉलीमर कैसा गिवन है, वो क्यूबिक पॉलीमर है आपको गिवन है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका एक जीरोज माइनस वन है, तब आपको बताना है इसके अदर जीरोज का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा या अदर जीरो का प्रोडक्ट क्या होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो क्यूबिक पॉलीमर्स के कितने जीरोज होते हैं? सर थ्री। थ्री। देखिए, एक क्यूबिक पॉलीमर्स लिख ऐसा हो सकता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू, ध्यान रखिए यहाँ से वन है, इसमें यहाँ पर मैं क्यूबिक पॉलीमर लिख रहा हूँ जनरल, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। आपके पास क्यूबिक पॉलीमर्स ये है, इसके कितने जीरोज होंगे? थ्री। थ्री जीरोज होंगे। इसके थ्री जीरोज जो हैं, हम इस तरह से लिख लें इनको, अल्फा, बीटा और गामा। हम ये जानते हैं इनका सम, इन तीनों का सम, सम ऑफ जीरोज कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, वेरी गुड। ये माइनस बी अपॉन ए होता है, यदि इन दोनों को प्रोडक्ट करें, सॉरी इसका मल्टीप्लाई इससे करें, इसका मल्टीप्लाई इससे करें और इसका मल्टीप्लाई इससे करके ऐड करें तो क्या आता है? सी अपॉन ए। एल्फा बीटा, बीटा गामा, बीटा गामा, गामा गामा एल्फा, कितना आएगा? सी अपॉन ए। ठीक है सर, और इन तीनों का प्रोडक्ट करें तो क्या आता है? माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी अपॉन ए, इन तीनों का प्रोडक्ट करने पर एल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना होगा? माइनस डी अपॉन ए। इस रिलेशन का यूज हम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि पी एक्स गिवन है, पी एक्स क्या गिवन है आपको? पी एक्स गिवन है एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके थ्री जीरोज हैं, लेट एल्फा बीटा गामा इसके थ्री जीरोज हैं, इनका सम एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा? देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है दिस अपॉन दिस, यहां पर क्या ये, यहां पर ये अपॉन ये, कितना हो जाएगा? माइनस ए, इतना आ जाएगा आपके पास, राइट। अब आपसे कहूं कि इन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा? एल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा एल्फा, कितना हो जाएगा आपका? सी अपॉन ए, मीन्स दिस अपॉन दिस। ठीक है, देखिए इसमें अल्फा बीटा, बीटा गामा, ये किसकी होता है? ये एक्स कोफिशियंट, ध्यान रखें एक्स कोफिशियंट डिवाइड बाई एक्स क्यू कोफिशियंट, यहाँ पर एक्स कोफिशियंट कितना है? ये है। ठीक है, तो बी अपॉन वन क्या आएगा? ये बी आएगा, राइट। अब आप कहोगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, आपसे कहे अल्फा बीटा गामा करेंगे तो कितना होता है अल्फा बीटा गामा? ये होता है माइनस डी दिस अपॉन कोफिशियंट ऑफ दिस, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये d जो है वो c के बराबर दे रखा है, c अपॉन यहाँ पर कोफिशियंट क्या दे रखा है? वन दे रखा है, तो कितना आएगा? c आएगा। अब वो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा था कि यदि एक जीरोज, ठीक है, यदि एक जीरोज कितना दे रखा है? माइनस वन दे रखा है, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरोज, आपके पास ये रिलेशन है। ठीक है, अब आपके आंसर क्या क्या हो सकते हैं जरा देखने की कोशिश करें। हम मान लेते हैं लेट एल्फा इक्वल टू माइनस वन है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अल्फा को भी माइनस वन माने, आप चाहें तो बीटा को भी माइनस वन कर सकते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पर। यदि अल्फा हमारा माइनस वन है तो कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर अल्फा की पुट करो वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितना पुट करेंगे? माइनस वन पुट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? माइनस वन बीटा गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि बीटा गामा जो है, ये ध्यान रखिए ये माइनस का होता है, ये क्या होता है? माइनस डी अपॉन ए होता है ना, है? तो ये क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर माइनस आएगा, ध्यान रखें ये माइनस का दिस अपॉन दिस होगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा गामा किसके बराबर आएगा? सी के बराबर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा कि दो जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा? सी के इक्वल आएगा। ठीक है, और क्या आंसर हो सकता है? देखिए
आपको इसका एक जीरोस, एक जीरोस क्या दे रखा है, माइनस वन दे रखा है, इसका क्या मीनिंग है? ये माइनस वन इसका एक जीरो जाए, इसका क्या मीनिंग है? सर इस पॉलिनोमियल में अगर हम माइनस वन एक्स की जगह पुट करेंगे तो इसका पूरा रिजल्ट सॉल्व करने पर जीरो आएगा। वेरी गुड, कहने का मतलब है माइनस वन इसमें पुट करने पर रिजल्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। इसका आप ये भी कह सकते हो कि माइनस वन इसके अंदर पुट कर दें तो माइनस वन पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस वन क्यू प्लस ए माइनस वन स्क्वायर प्लस बी माइनस वन प्लस सी, सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये जीरो आएगा, राइट। तो यहाँ से क्या रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा, ये आ जाएगा वन प्लस ए प्लस माइनस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि सी की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से माइनस का आएगा, ये माइनस वन आएगा, ये प्लस का ए आएगा, माइनस बी आएगा, प्लस सी आएगा, सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको इधर ले जाइए, ये बी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का वन हो जाएगा। तो सी का आंसर क्या होगा, बी माइनस ए प्लस वन। तो आपके पास ये भी कह सकते हो कि बीटा गामा किसके बराबर आ रहा था, सी के बराबर आ रहा था, ये भी एक आंसर हो सकता है। और आपका आंसर ये भी हो सकता है कि बीटा गामा का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी माइनस ए प्लस वन, ये भी आपका एक आंसर हो सकता है। यदि इस क्यूबिक पॉलीनोमियल्स का एक जीरोज माइनस अल्फा है तो अदर दो जीरोज का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, वो सी हो सकता है, दिस इज वन आंसर। और दूसरा आंसर ये भी हो सकता है कि दो जीरोज का प्रोडक्ट बी माइनस ए प्लस वन हो सकता है, बी यहाँ पर ध्यान रखें ये है, ए है और आपके पास सी ये है। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, यह क्वेश्चन समझ में आ गया है तो लाइक्स बटन में क्लिक जरूर करें। और हाँ, यदि आपको क्वेश्चन मेरे से पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखें, पहले बुक लिखें, बुक का पेज नंबर लिखें और उसके बाद क्वेश्चन लिखें, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि इस क्वेश्चन को अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।